ये फ्रेंड्स हमारी काजू कतली बन के हो चुकी है रेडी। फटाफट ये देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बनाने जा रहे हैं काजू कतली, जो कि काजू कतली बहुत इजी तरीका बनाएंगे। आ जाइए मेरी किचन में आप लोग, चलिए बनाते हैं काजू कतली। काजू कतली बनाने के लिए हमने लिया है काजू 250 ग्राम, आधा कप हमने लिया है देसी घी, आधी कटोरी लिया है मिल्क पाउडर और एक कटोरी से कम है 150 ग्राम के लगभग होगी ये शक्कर, और ये हमने ली है इलायची जिसको हमने कूट लिया है। तो सबसे पहले हम काजू को देख लेंगे कोई खराब तो नहीं है, फिर हम इसका बनाते हैं, पीसते हैं इसको एक मिक्सी ग्राइंडर में। तो ये हमारा हो गया पूरा सामान काजू कतली बनाने का। तो हमने इन काजू को देख लिया है कोई खराब तो नहीं है, हम इसको आधा आधा करके इसको पीसेंगे पहले, फिर इसको छानते हैं। इसको हम पीसेंगे फिर रोकेंगे, पीसेंगे फिर रोकेंगे, इसी तरह हम 3-4 बार कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा मोटा भी नहीं रहना चाहिए ना ज़्यादा बारीक होना चाहिए। तो इसको हम छान लेते हैं, कुछ इस तरह पीसना चाहिए, एक छलनी के द्वारा इसको हम छान लेते हैं पहले, ऐसे ही हम सारा काजू पीस लेंगे। तो इसमें हम डाल लेते हैं शक्कर जो कि है 150 ग्राम, और इसमें डालेंगे हम इतना पानी डालेंगे कि शक्कर सूख जाए, 1 कप पानी डाला है हमने ये। इसकी बनाएंगे हम एक तार की चाशनी तेज, और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, और एक तार की चाशनी बनने देते हैं, चलाते रहेंगे क्योंकि ये तली में नहीं चिपकनी चाहिए शक्कर। लोग इस दिवाली पर काजू कतली जरूर बनाना, और हमें कमेंट में भी बताना काजू कतली आप लोगों की कैसी बनी थी और हमारी काजू कतली कैसी बनी थी, आप कमेंट में प्लीज जरूर बताना। तो 5 मिनट बाद ही हम देखते हैं इस तरह से हमारी काजू हो चुकी है चाशनी इस तरह से। 3 मिनट और लगेंगे, 5 मिनट टाइम लगता है बस इस चाशनी को बनाने में। तो ये देखो 2 मिनट बाद चाशनी कुछ इस तरह से हो चुकी है, अभी हम इसको 2 मिनट और पका रहे हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो हाथों में थोड़ा सा पानी लेकर, सो हाथों में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे, गरम ज्यादा नहीं आप लोग टच करना इसको, और इस तरह से देखेंगे थोड़ी सी चिपकने लगे, तो अभी इसमें तार कम बन रहा है, तो अभी हम इसको 1 मिनट और पकाएंगे। तो अब ये देखो तार बनने लगा है, चिपकने लगी है चाशनी। तो अब सो इस स्टेज पर अब हम अपना डालेंगे काजू पिसा हुआ, सारे काजू को डाल लेते हैं और इसको हम चलाएंगे। अब हम यहीं पर डाल लेते हैं अपना मिल्क पाउडर जो कि है आधा कटोरी, इसको भी मिला लेते हैं। अब हम डालते हैं देसी घी अपना थोड़ा सा 2 चम्मच, देसी घी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इलायची पाउडर 1/2 चम्मच जो हमने घर में ही कूटा था, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बन गई है काजू कतली, तो हम इसको उतार लेते हैं, इसको करते हैं ठंडा, एक ट्रे में लगा लेते हैं अपना घी। तक वो मिश्रण ठंडा हो रहा है तब तक हम इसमें एक ट्रे में लगा लेते हैं देसी घी। चुका है ये, हमने बच्चों के कवर चढ़ाने वाली एक पन्नी ले ली है, इसको रखेंगे इस पर इस तरह, और इसको हम डालेंगे इसी पर। अभी हो चुका है कुछ ठंडा, तो हम इसको पन्नी को इस तरह पलटेंगे, और तो इन पन्नी को हमने कर लिया है फोल्ड, अब इस तरह से मिस लेंगे इस तरह से, इसको इस तरह से
तो बर्फी में क्रैक्स नहीं बनेंगे। इस तरह से सारी पलट पलट कर इस तरह से करते रहेंगे। तो इस सीट पर हमने प्लास्टिक की पॉलीथीन पर इसको हमने पूरा अच्छे से इसको बेल लिया है। बेलने से अब इसको पलटते हैं ट्रे में, तो इसमें पलट लेते हैं ट्रे में। अब इसका करते हैं कट। अब हम इसमें लगाते हैं सिल्वर पेपर, पूरे में लगा देंगे अपना सिल्वर पेपर इस तरह से। थोड़ा और लगाएंगे, काजू कतली को अब हम काट लेते हैं इस तरह से, बड़ी है आराम से, क्योंकि ये ऑयल छोड़ता है इस तरह से। तो इस शेप में काटेंगे काजू कतली को, इस शेप में। आप इसमें हाथ लगा रहे हैं तो ये बड़ी ही आसानी से कट जाएगी इस तरह से। ये देखो बनके रेडी हो गई है हमारी काजू कतली। तो काजू कतली को हम निकालेंगे एक प्लेट में इस तरह। बनके रेडी हो चुकी है हमारी काजू कतली, दिवाली स्पेशल मिठाई। ये देखो लेडी काजू कतली दूसरी प्लेट में भी निकालते हैं इस तरह से। ये फ्रेंड्स हमारी काजू कतली बनके हो चुकी है रेडी फटाफट। ये देखो दिवाली स्पेशल काजू कतली बनके हो गई है तैयार। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है।